दोस्तों, अगर आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे तो आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसको मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। तो किस प्रकार से आप लोगों को मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है, कब से कब तक आप लोगों का नामांकन चलेगा, कौन कौन से दस्तावेज देना होगा, किस प्रकार से आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है, क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट अभी आप लोगों का जारी किया गया है या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी की आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा जो सेमेस्टर वन में एडमिशन के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है ऑनलाइन हेल्प्स 2-3। जैसे ही ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 का वेबसाइट ओपन होगा, जहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा LNMU UG फर्स्ट सेमेस्टर मेरिट लिस्ट का, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे संपूर्ण जानकारी को हम बता दिए हैं। अभी आप लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोगों का जारी किया गया है वो 7 जून 2024 को किया गया है। इसमें सुधार करने का जो डेट रखा गया है वो 8 जून 2024 से लेकर 9 जून 2024 तक रखा गया है। 10 जून को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे में यहाँ पर सारा इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है, उसके बाद जो भी दस्तावेज आप लोगों को कॉलेज में दे करके अपना नामांकन करवाना होगा उन सभी दस्तावेज की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आकर के दस्तावेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे में इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा और इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का, उसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपको इस प्रोविजनल लिस्ट में आपको अपना नाम सर्च करना है। आपको अपना नाम देखने के लिए Ctrl+F प्रेस करना है। उसके बाद फाइंड वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर इंटर करके सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ पर भी आपका नाम होगा इसी तरीके से हाईलाइट होकर के आ जाएगा। और आप बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ चुका है तो यहाँ पर आपको 2 दिनों का समय दिया गया है। अगर आपको लगता है कि कहीं भी किसी प्रकार की गलती हो चुकी है तो 8 जून से लेकर के 9 जून तक सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का 10 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और जब आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा तब यहाँ पर आप लोगों का नामांकन की प्रक्रिया 11 जून 2024 से शुरू की जाएगी और ये जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 20 जून 2024 तक चलेगी। तो इसी वेबसाइट पर आकर के आप फाइनल मेरिट लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो डाउनलोड करने का लिंक है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। जल्द ही यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट को भी डाउनलोड करने का लिंक आएगा तो हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे।